सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आप देख रहे हो आज अपने पास में कौन सी गाड़ी आई है, वाइट बेनेली 600 है। सो आप लोग की गाड़ी का ना यहाँ पे यूट्यूब आईडी देखकर समझ गए होंगे भाई गाइस ये किसकी गाड़ी है, ये अपने योयो राइडर की गाड़ी है। सो गाइस जो हम लोग एक लास्ट टाइम जो राइड किए थे लोनावाला में, सो वहाँ पर जो क्रैश हो गई थी गाड़ी है पूरी, सो गाइस उसके ऊपर से कुछ रिलेटेड इसमें है। सो यहाँ पर कुछ राइड में कुछ सीन्स हो गया था उसमें नॉन एबीएस से करके, सो गाड़ी थोड़ा क्रैश हो गई थी, इसमें काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था वहाँ से उसको यहाँ पर लाना लोनावाला। तो सब टेम्पू वगैरह भी वगैरह मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। तो गाइस अभी चलते गाड़ी तो आप लोग देख लो, गाड़ी का वॉकर अपन बाद में दिखाते। जो गाड़ी के ओनर है जो राइडर जो अब तक उनको फॉलो नहीं किया रहे इंस्टाग्राम पे जाके उनको जल्दी से फॉलो करो, इनकी इंस्टाग्राम आईडी है और यूट्यूब आईडी भी राइडर है। तो गाइस इनको जाके जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सपोर्ट कर दो और भाई को अच्छे से कंटेंट ला दो, उनको भी सब्सक्राइब करते रहो सपोर्ट करते रहो। और मिलते हैं अभी अपने इरफान भाई से, उनको बुलाते हैं सामने तो उनसे पूछते मतलब क्या सीन है क्या नहीं है क्या हुआ। तो उनकी भी अभी तबीयत इतनी ख़राब है मतलब तक उनका ठीक नहीं हुआ, तो इंजरी अब तक गई नहीं है। तो यूरो राइडर से थोड़ा बात करते हैं। यूरो राइडर प्लीज़ आ सकते हो क्या भाई? सो अपने यूरो राइडर कैसे हो भाई? बस भाई। सो गाइस इनके हाथ पे अभी भी मार लगा हुआ है, काफ़ी बेकार तरीके से गिरे थे भाई। तो उसमें थोड़ी सी क्लिप मैं डाल दूंगा तो आप लोग गाइस चेक कर लेना कितना बेकार तरीके से गाड़ी गिरा था। पर उनका ये गाड़ी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया, मतलब बहुत सपोर्ट किया भाई गाड़ी ने भी। बोलते हैं ना गाड़ी को भाई तुम प्यार दो गाड़ी आपको प्यार देगी, सही बात है ना भाई? तो गाइस जो क्लिप आप देखिए कि गाड़ी भाई पलटी हो गई थी, तो 260 किलो की गाड़ी है जो पलटी हो गई थी वो भाई के पैर के ऊपर गई थी। तो उनको इतना कुछ डैमेज नहीं हुआ, जो हल्का फुल्का हुआ जो नॉर्मल अब तक ठीक नहीं हुआ वो भी जल्द से ठीक हो जाएगा अभी। तो भाई बताओ जरा कैसे क्या सीन हो गया था अपने साथ में? एक्चुअली क्या है ना, जो थोड़ा कॉर्निंग करने के इसमें मैं गिर गया था, तो ज़्यादा ये इसका जो वेट है ना आगे की तरफ ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो गाड़ी टर्न करने के टाइम पे क्या है ना, ज़्यादा टर्न नहीं हो तो वन साइड हो गया और उसका ट्रैक्शन कंट्रोल थोड़ा बंद हो गया तो टायर लॉक हो गया। अच्छा। तो जैसे मैं गिरा ना भाई इसका बड़ा पत्थर था। अच्छा अच्छा। हाँ वो पत्थर पे देखे हम लोग जो कि ये पूरा जो सेट था ना ये पूरा अपन नया डाले इसको पूरा, तो ये पूरा फट गया था यहाँ से, पूरा डैमेज हो गया थे। तो काफी टाइम हो गया था मतलब गाड़ी वहाँ से लाने के लिए, काफी बहुत हालत खराब हो गई थी। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर भाई मेरी जिंदगी में किसी को इतना टोशन मारा नहीं, मगर भाई मेरे दोस्त लोग ने मेरे को वहाँ से बाइक मुंबई लेके आए लोनावला से टोशन करके, वहाँ से लेके फिर वहाँ से हिम्मत हार गए तो वहाँ से फिर मैं टेम्पो करके मीरा रोड चले गया था। 15 दिन बाइक को लगा भाई रेडी होने में, मगर मैंने बाइक को छोड़ा नहीं क्योंकि मेरे को भी रेडी होने में 15-20 दिन लगा, पैर पे बाइक गिर गई थी और हाथ अभी भी भाई थोड़ा तकलीफ है, तो फिर भी बाइक चला रहा हूँ क्योंकि भाई राइडर लोग भाई बाइक चलाने के बगैर रहेंगे नहीं। हाँ। आप लोग के लिए कंटेंट लाते रहेंगे भाई, आपको एंटरटेन करते रहेंगे। और भाई मतलब जो आपके साथ में जो इतना बेकार जो सीन हो गया था वो ऐसा किसी के साथ होना ना इसी करके, तो प्लीज़ आप लोग भी अगर लोनावला वगैरह कहीं राइड पर जाओगे तो प्लीज़ सेफ राइड करना। और जो गाड़ी का जो डैमेज हो गया तो भाई काफ़ी नुकसान आया था गाड़ी के अंदर। तो एक ये बेनेली है 600 है यार, इसके एक एग्जांपल पर उसको पार्ट जल्दी मिलते नहीं है और काफ़ी टाइम हो गया था भाई, सब पूरा फुट फाड़ गई थी गाड़ी भाई पूरी। सो अपने भाई को भी ज़्यादा शुक्र है क्या ज़्यादा लगा नहीं करके। सो गाइस बच चुके अपन, फाइनली अभी मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे, तो आपको थोड़ा दिखाते गाड़ी का सीन क्या होता है क्या नहीं। तो अपने एक गौस भाई है, सो यार इसको तो अपन भूल नहीं सकते यार, इसको तो मैं दिखाया नहीं सॉरी, और वो उसका वीडियो बन रहा था इसके लिए आपने दिखाया नहीं, थोड़े भाई भी बिजी थे वीडियो वगैरह बना रहे। और हाँ एक बात बोलूँगा भाई, अपने गौस भाई का भी यूट्यूब चैनल चालू हो गया भाई, अपना बता दो यूट्यूब चैनल का मतलब क्या है, गौस द बॉस है? और मेरे वीडियो में आप लोगों को ये भी दिखेगा क्या कार और बाइक के रिलेटेड जो भी इनका जो लिंक वगैरह रहेगा तो ये मुझको भेज देंगे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चैनल को लाइक कर देना भाई के, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहना भाई, क्या बोलते हैं भाई? बस सपोर्ट करते रहो, अच्छी एक से एक धमाकेदार कंटेंट लाते रहेंगे। और बराबर गिरा हूँ पेड़ पे डाल।
आप लोगों ने वॉक अराउंड पर एंजॉय कर लिया रहेगा गाइस। तो गाइस ये गाड़ी में कम से कम बहुत ज़्यादा खर्चा आ चुका है भाई ने, पूरा अच्छे से सब कुछ ओरिजिनल सामान करा है, पर गाड़ी थोड़ा 15 दिन लेट बनी, पर गाड़ी को पूरा सब ओरिजिनल सामान लगा है गाड़ी के अंदर, कुछ डुप्लीकेट नहीं है। तो गाइस पूछते भाई से कितना खर्चा आया पूरा। भाई खर्चा तो बहुत मोटा खर्चा आया, खर्चे की बात ऐसा है कि समझ लो 20,000 के आसपास में इसमें खर्चा आ गया था, क्योंकि 15 दिन मैंने छोड़ दिया था बाइक को, क्योंकि मैं भी थोड़ा ये था, मगर बाइक मैंने ऐसा कंडीशन में कर दिया है ना कि पता ही नहीं चलेगा कि बाइक गिरा है, क्योंकि बाइक के सारे पार्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। थोड़ा वेट करके मैंने एक हफ्ता वेट किया, उसके बाद सब अवेलेबल हुआ तो मैंने सब लगा दिया है। अभी बाइक आप साउंड हो गया और बाइक को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बाइक एकदम A1 कंडीशन में हो चुकी है। तो गाइस यही बोलना चाहता हूँ भाई कि अभी बस भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया गाड़ी में, मतलब पैसा भी ज़्यादा लगाया। तो गाइस भाई को सब्सक्राइब करना तो भाई बनता ही है भाई, इतने महीने से वीडियो बना रहे भाई, आप लोग भी इतना अच्छा इनके वीडियो पे मैं देखता हूँ इनका वीडियो, जो आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे वीडियो के लिए, तो यार थैंक यू सो मच। और तो चलते हैं गाइस थोड़ा गाड़ी को भी देखते हैं। पहले मैंने चलाया था गाड़ी, तो मतलब पहले तो एकदम नवी, तो पूरी अभी तो पूरी शोरूम इसी नवी कर दिया भाई ने गाड़ी, तो अभी थोड़ा देखते हैं भाई इसको चला के मतलब क्या सीन है, मतलब थोड़ा छोटा सा एक राउंड मारते तो अपने पता चल जाएगा भाई क्या है क्या नहीं। तो गाइस चलते भाई, चलो पब्लिक को साउंड ही सुना डालते हैं इसका। भाई काफ़ी टाइम से लोग खाली साउंड के लिए इस पर मतलब सोचते रहते, बस खाली भाई कभी कोई साउंड दिखाएगा, इतना तो मैं नोटिस किया हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं गाड़ी को अपन, अभी मच्छर लोग परेशान कर रहे हैं। तो भाई सब लोग देख रहे हो गाड़ी का साउंड कितना ही प्यारा है यार, एक्सल 55 इसमें भी है और अपने में भी एक्सल 55 है। और भाई इसको थोड़ा सी ग्राउंड मार के देखते हैं क्या सीन है कैसा नहीं, एकदम फुल लोडेड है भाई मशीन है, तो थोड़ा इसको चला के देखते हैं अपन अभी भी क्या सीन है इसका टोटल। कितना प्यारा गाड़ी चल रही है, तो लग रहा नहीं है कि भाई गाड़ी में कुछ काम बाकी है, गाइस गाड़ी में पूरा काम हो चुका है, पूरी लोडेड मशीन हो चुकी है अभी। बताना और बस यहाँ से यूटर मार लेते हैं अपना। बच्चे लोग भाई कुछ बोल रहे हैं तो सुनते हैं उन लोग से भी भाई। क्या हो रहा है, हम लोग ब्लॉग में आएंगे कि नहीं आएंगे? तुम लोग ब्लॉग में पक्का? नाम क्या तेरा? आयुष। इमरान पक्का आएंगे हम लोग ब्लॉग में, गाइस चलते हैं अभी। और जो अच्छा लगा तो लाइक करना,
यार साउंड है यार इसका, नेक्स्ट लेवल साउंड है यार इसका। तो गाइस एक बार रेव कर लेते यार, ये गाड़ी मीटर ना बहुत ज्यादा प्यारा लगता है यार। हाँ सो गाइस सत्य इसी वीडियो को इधर ही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइड प्लीज़।